ये लोग गुलाम हैं और गुलाम अपने आका की सुनता है। उनसे कहा अरविंद केजरीवाल ने उस प्रोटेस्ट को खत्म कराओ, कभी डीसीपी कभी बंदूकधारी उस प्रोटेस्ट में भेजा गया। और ये इंकलाबी शाहीनबाग ऐसे ही नहीं बना, इस इंकलाबी शाहीनबाग ने अपने भाई अपने बच्चों के ऊपर लाठी चलते हुए देखा है। हमारी नुमाइंदगी करने वाला सही मायने में लीडर ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत बोलना चाहता है उसकी जुबान खामोश कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी औकात 3000 वोट की है। हमारा नाम जुड़ा तो 1,04,000 वोट मिले। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, समझे या नहीं समझे? तो मेरे भाई उनकी जुबानें खामोश कर दी जाती हैं। आपके मसाइल की बात अगर कोई कर सकता है तो आपकी अपनी लीडरशिप है, आपकी अपनी पार्टी है, वो आपका अपना लीडर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, ना अपने इलाके का डेवलपमेंट करवा पाएंगे, ना अपनी कौम का करवा पाएंगे। आप ही के अपने वार्ड में 2 एमसीडी स्कूल है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, आज तक उसमें एक नई ईंट क्यों नहीं लगी? आप एजुकेशन की बात करते हैं मगर मुसलमानों के साथ इतना तो दौरा व्यवहार क्यों है? या जो आप एजुकेशन की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ और भ्रम है आपका? मेरे साथियों, अगर आपको ये मौलिक अधिकार चाहिए तो आपको कठपुतली एमएलए एमपी नहीं चाहिए, आपको अपने चाहिए जो आपकी अपनी बात कर सके। आपने यहाँ पार्षद चुना, क्या वाकई में पार्षद को आप उसके नाम से, उसके किरदार से, जो उसके सोशल वर्क से जानते थे उससे पहले? नहीं जानते थे। आपने वोट दिया अरविंद केजरीवाल के नाम पर, तो जाहिर सी बात है वो मसाइल को अपने मसाइल क्यों समझेगा? ये वही पार्षद है जिसने शाहीनबाग प्रोटेस्ट में बंदूक लेके गुंडे भेजे, उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश करी, उस प्रोटेस्ट को जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब खड़ा किया, जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक इज्जत दिलाई। आज शाहीनबाग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उस शाहीनबाग को इज्जत दिलाने में इस शाहीनबाग के अब्दुल फजल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और उसी प्रोटेस्ट को खत्म कराने का ये काम यही पार्षद करता है। आप बताइए लालन भोगते हो आप या नहीं भेजते हो? मेरे अजीज साथियों, ये लोग गुलाम हैं और गुलाम अपने आका की सुनता है। उनसे कहा अरविंद केजरीवाल ने उस प्रोटेस्ट को खत्म कराओ, कभी डीसीपी कभी बंदूकधारी उस प्रोटेस्ट में भेजा गया। और ये इंकलाबी शाहीनबाग ऐसे ही नहीं बना, इस इंकलाबी शाहीनबाग ने अपने भाई अपने बच्चों के ऊपर लाठी चलते हुए देखा है। तब जाके वो हौसला वो जज्बा पैदा हुआ, एलईडी एनकाउंटर होते देखा है, तब जाके वो हौसला पैदा हुआ।